नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम यहाँ देखेंगे ईएसआईसी के एडमिट कार्ड के बारे में दोस्तों बात करेंगे। और ईएसआईसी के दो पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड आ चुका है। पहला पोस्ट आप देख सकते हैं कि अपर डिवीजन क्लर्क है, मतलब यूडीसी। और दूसरा पोस्ट यहाँ देख सकते हैं स्टेनोग्राफर है, स्टेनो का पोस्ट है यहाँ पे। और दोनों के एडमिट कार्ड को आप 9/3/2022 से लेके 20/3/2022 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज से सेलेक्ट करना होगा किस लैंग्वेज में आप अपने एडमिट कार्ड को देखना चाहते हैं, तो हिंदी या इंग्लिश किसी को एक को सेलेक्ट करना होगा। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको यहाँ फिल करना होगा, और साथ में आपका पासवर्ड आपको याद है तो आप उसको दे सकते हैं, नहीं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इस फॉर्मेट में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 03 है आपका, उसके बाद मंथ मान लीजिए कि 05 हो गया, उसके बाद ईयर 1995 है, तो 95 आपको केवल ईयर में देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा है, ये जो नंबर है, उसको लिखना है, लॉग इन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने एडमिट कार्ड को देख सकते हैं। साथ में दोस्तों इन्होंने एक ये भी दिया हुआ है कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा। इन्फॉर्मेशन आपको देते ही है, इन्फॉर्मेशन हैंडआउट बोल सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हर एक जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम पे आपको मैं अभी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एग्जाम पैटर्न बताया गया कि 25-25 नंबर के क्वेश्चन में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन बनाने के लिए 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे। और हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग यहाँ बताया गया है कि 1/4 होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ बताया गया है। उसके बाद स्कोर जो कैंडिडेट का कट ऑफ बनेगा वो देखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करेक्ट जो करेंगे और रॉन्ग करेंगे उसके अनुसार आपका स्कोरिंग होगा। और द करेक्टेड स्कोर ऑब्टेंड बाई कैंडिडेट है, उसी के आधार पे जो मार्क्स है आपका नेगेटिव करके आएगा उसी के आधार पे आपका कट ऑफ बनेगा। और टेस्ट स्कोर, टेस्ट वाइज स्कोर एंड स्कोर ऑन टोटल इज रिप्रेजेंटेड ऑन डेसिमल, ठीक है। यहाँ सेक्शनल कटअप के बारे में कोई भी जानकारी आपको दिया नहीं गया है, तो मान के चलिए कि यहाँ पे कोई सेक्शनल कटअप नहीं है। हालांकि इसे आप देख लीजिएगा, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन्फॉर्मेशन हैंडआउट को। अब यहाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन का लेवल किस तरह का रहेगा, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश अल्फाबेट के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं कि सेलुलिज्म के क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज या अल्फाबेट सीरीज होते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन है। फिर ये अल्फाबेट के क्वेश्चन है, ये रैंकिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टॉपिक ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, इन सब टॉपिक से रहेगा। ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखिएगा सिटिंग अरेंजमेंट का पजल का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ आपको देखने को मिलेंगे। ये जीए के क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आरबीआई में आई का मतलब क्या होता है, या आरबीआई का फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है किसी एक वर्ड का, वो पूछा जा सकता है। ऑस्कर से मतलब अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पॉलिसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आईआरडीए में आई का मतलब क्या होगा, तो फुल फॉर्म से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मान के चलिए, हु इज ए पर्सन क्लोजली, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पर्सन से रिलेटेड। मैथ्स में देखिए, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन पे इन्होंने ध्यान दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा यहाँ CPSP प्रॉफिट लॉस पे ध्यान दिया है। उसके बाद DI आप लोग को अच्छे से देखना है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो भी DI से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देखना है। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन देखना है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन हो सकते हैं मुश्किल से पूछे जाए। उसके बाद कॉमन एरर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपने एक दिया, यहाँ अगर आपने एक दिया, एक देते हैं तो मतलब यहाँ पे एक है ना, व्हाइट है, तो इसका मतलब कोई भी आंसर आपने नहीं दिया है। रेड हो गया तो मतलब उस क्वेश्चन को आपने स्किप किया। ग्रीन हो गया मतलब आपने आंसर दे दिया। और ब्लू, ये बैगनी कलर का जो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया, अभी तक ना आंसर दिया है और ना स्किप किया, रिव्यू के लिए आपने स्किप किया उसको। उसके बाद ये ग्रीन के साथ है, आपको ब्लू जो बैगनी दिख रहा है ना, वो इसका मतलब हो जाएगा कि आपने आंसर दे दिया है बट रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है, तो ये काउंट हो जाता है। मार्क एंड रिव्यू ये आपके आंसर में काउंट होगा, इसका नेगेटिव भी होगा और सही होगा तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन आपको बनाना है। उसके बाद आपको जो बटन होते हैं उस पर क्लिक करना, ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको टेस्ट देना है। और आपको क्या क्या लेके जाना है वो दिखेगा, मास्क आपको लेके जाना है, ठीक है। ग्लव्स नहीं भी ले जाइएगा तो चलेगा, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे। पानी बोतल आपको चाहिए तो पर्सनल आपके पास होना चाहिए। सैनिटाइजर जरूरी नहीं है, वो वहाँ पे देते हैं। ये सिंपल पेन आपको लिंक पेन लेके जाना है। और 1 इंक स्टैम्प पैड भी आपको बोला गया है यहाँ लेके जाने के लिए, हालांकि अंदर मिलना चाहिए
बट बोला गया यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कॉल लेटर आपको लेके जाना है, फोटोकॉपी ऑफ आईडी और ओरिजिनल आईडी भी लेके जाना है। तो ये तीनों चीज नहीं लेके जाइएगा तो एग्जाम देने नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कॉल लेटर का फोटोकॉपी होना चाहिए, आईडी के साथ होना चाहिए और स्टेपल होना चाहिए, ठीक है। वेरिफिकेशन के समय वो स्टेपल कर देंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपका सब्सक्राइबर आपके पास होना चाहिए और उसके एडमिट कार्ड पे भी उसका फोटो पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ कुछ जानकारी है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कुछ नहीं है दोस्तों, आपको रफ सीट वहाँ मिलेगा, रजिस्ट्रेशन और पोस्ट एग्जाम कंट्रोलर वहाँ देखने को मिलेगा। और आप सभी को इस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। तो यही कुछ है इन्फॉर्मेशन सा दोस्तों जो आपके साथ शेयर करना था। इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसी तरह का आपको स्टेनोग्राफर का भी देखने को मिल जाएगा। स्टेनोग्राफर का भी मैं आप लोग को अलग वीडियो में बता दूंगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।